आईपीएल 2024 में अभी तक 14 मैचेस खेले जा चुके हैं। जहां एक तरफ कुछ खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सभी को हैरान कर दिखाया है, तो वहीं कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन अभी तक कुछ खास नहीं रह सका। हर बार की तरह इस बार भी आईपीएल में कई युवा और अनकैप्ड खिलाड़ी खेल रहे हैं, जिनमें से कुछ खिलाड़ियों ने शुरुआत मैचों के दौरान ही अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर ये साबित कर दिया है कि वो अब टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। इन खिलाड़ियों में खासकर तेज गेंदबाज शामिल हैं, जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव इन दोनों काफी चर्चाओं में हैं। पिछला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया था। इस मैच को लखनऊ ने जीत लिया था। इस मैच में ही मयंक यादव ने अपना आईपीएल डेब्यू किया था। इनका डेब्यू काफी शानदार रहा। अपने पहले ही मैच में मयंक ने आईपीएल 2024 की सबसे तेज गेंद फेंकी थी। मयंक ने इस मैच में 155.8 किलोमीटर की स्पीड से गेंद फेंकी थी। वहीं इस मैच में मयंक ने 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट भी लिए थे। ऐसे में अगर टूर्नामेंट में आगे भी मयंक का ये प्रदर्शन जारी रहता है तो उनको जल्द ही टीम इंडिया में डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है कोलकाता नाइट राइडर्स के तेज गेंदबाज हर्षित राणा का। हर्षित राणा का आईपीएल 2024 बेहद शानदार रहा। जहां एक तरफ कोलकाता के मुख्य तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क, जो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी भी हैं, उनकी लगातार पिटाई हो रही है, तो वहीं हर्षित हर मैच में विकेट लेने के साथ साथ काफी किफायती गेंदबाज भी रहे हैं। अभी तक हर्षित ने केकेआर के लिए इस सीजन में 2 मैचेस खेले हैं, जिनमें उन्होंने 5 विकेट अपने नाम किए हैं। अब फैंस को उम्मीद है कि भविष्य में जल्द ही हर्षित को भी टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। ऐसे क्रिकेट न्यूज से अपडेट रहने के लिए बाबा क्रिक न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।